लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको घर छोड़ दूंगी। साइकिल ड्राइवर ले आएगा। जी ठीक है, साइकिल ठीक हो गई है, मैं चला जाऊंगा, आप जाइए। हम दोनों एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ओवरटेक नहीं करना चाहती। मेरा मतलब है, मैं आपसे आगे नहीं जाना चाहती। जिंदगी के रास्ते में तो आप मुझसे कहीं आगे निकल गई, फिर इस रास्ते पे आगे निकल गई तो क्या हुआ? साइकिल और गाड़ी की रफ्तार में हमेशा फर्क रहा है और रहेगा। ये तो लीजिए। ये क्या? उस दिन आपने मुझे हार पहनाया था, वही फोटो लीजिए। उस दिन उसने इसे हार पहनाया, आज ये उसे क्या दे रही है? प्रेम पत्र। गोपाल विवाह। शुक्रिया। अच्छा मैं चलता हूं। बाहर बारिश तो नहीं हो रही है? हाँ, बारिश बाहर नहीं हो रही है। गुड इवनिंग रमेश। गुड इवनिंग मम्मी। अरे रमेश ये क्या, शाम के वक्त तो बच्चे खेला करते हैं और तुम ये पेंटिंग बना रहे हो? मम्मी मैं अपनी कल्पना से डैडी का चित्र बना रहा हूँ। कल्पना से? हाँ मम्मी, क्या डैडी ऐसे होंगे? नहीं नहीं। अच्छा तो ऐसे होंगे। ऐसे भी नहीं। ऐसे भी नहीं, जरा ठहरिए। मम्मी डैडी ऐसे जरूर होंगे। ऐसे? क्या बताऊं तुझे, मैं इतनी बदनसीब हूं कि तुझे कुछ समझा भी नहीं सकती। क्या है पप्पू? पापा। ओ समझ गया, तेरे पापा ने जरूरी मीटिंग का नोटिस भेजा है, जरूर कोई जरूरी बात होगी। मैं अभी आया। क्यों मनसुख बाबू, बच्चे को भी ऑफिस के काम पर लगा दिया? अबे ऑफिस के नहीं, घोटाले के, जो ऑफिस में हो रहा है। अपने ऑफिस के हीरो हीरोइन का प्यार बड़े जोरों में महक रहा है। तब तो प्यारे तुम्हें लगाने बजाने के लिए बहुत ही मसाला मिल गया होगा। थैंक यू। नमूने तो दिखाते हैं। अबे नमूना तो पुड़िया में बंद था, मैंने अपनी आंखों से देखा। कलेक्टर गाड़ी से उतरी, मुस्कुराई,
प्रेम पत्र उसके हाथ में दिया और उसने भी मुस्कुराकर अपने हाथ में लिया। ये क्या, आज तो तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? उस कलेक्टर ने आज फिर तो नहीं डांटा तुम्हें? नहीं, वो मेरे पाँव पड़ी और माफी मांगने लगी। रमेश, ये रहा तुम्हारा सामान। मम्मी, आपके दफ्तर के हेडक्लर्क गए थे। हाँ मम्मी, और नाना जी के कहने पर मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। अच्छा, तू जा। पिताजी, वो पहली बार हमारे घर आए और आपने सम्मान के बजाय उनका अपमान किया, उन्हें घर से निकाल दिया। तुम शायद भूल गई कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, इसलिए मैंने उसी की संतान से, उस हैरान को घर से निकाल दिया। ये तो बदले की आग में पहली आहुति है, वो जिंदगी भर तड़प कर बिलख कर, यही मेरी सबसे बड़ी तमन्ना है। अगर यही आपकी तमन्ना है तो आपकी तमन्ना कभी पूरी ना हो, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मत भूलो कि मैंने तुम्हें करैक्टर बनाया है, एहसानों को भुला देना इंसानियत नहीं है। दुश्मन को भी क्षमा कर देना, यही इंसानियत है पिताजी। अगर मुझे मालूम होता है कि मेरी बेटी एक कायर, एक कमीने की तरफदारी करेगी, तो मैं कभी उसे करैक्टर न बनाता। अगर मुझे ये मालूम होता कि आप मेरे हाथों से मेरे पति का अपमान कराने के लिए मुझे कलेक्टर बना रहे हैं, तो मैं कभी कलेक्टर नहीं बनती, कभी नहीं, कभी नहीं।